क्या पीरियड्स में सेक्स करना अनहाइजीनिक होता है? इज इट पेनफुल? विल इट गेट टू ब्लडी? विल आई गेट प्रेग्नेंट? वेल, यू मस्ट बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज यू रियली वांट टू हैव सेक्स ऑन योर पीरियड्स. क्यों? क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे एक्चुअली यू गेट वेरी वेरी हॉर्नी, लाइक रियली रियली हॉर्नी. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उस टाइम पे आपके हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन साइक्लिकल राइज एंड फॉल करते हैं, जो एक्चुअली आपकी सेक्स ड्राइव में मेजर रोल प्ले करते हैं. अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एस्ट्रोजन आपकी पीरियड साइकिल के बिगिनिंग में ड्रॉप होता है एंड सेकेंड और थर्ड डे एकदम से राइज करता है. एंड ऑन द अदर हैंड, प्रोजेस्टेरोन लो पॉइंट पे ही रहता है यूजुअली. तो ऐसे में आपका लिबिडो और डिजायर थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी सेक्स ड्राइव भी बढ़ जाती है. बट क्या पीरियड्स में सेक्स करने का कोई फायदा होता है? येस ऑफ कोर्स, लेट्स डिस्कस. बेसिकली पीरियड्स के टाइम पे सेक्स करने से आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि सेक्स करने से हॉर्मोन्स एंड एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस बस्टर की तरह एक्ट करते हैं एंड आपके यूट्रस के मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं. ऑल्सो कुछ वुमेन को पीरियड्स के टाइम पे कॉन्स्टेंट हेडेक्स या माइग्रेन भी होता है, तो सेक्स करने से उनके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं एंड थोड़ा रिलीफ भी मिलता है. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स और इंक्रीजेज योर सेक्स ड्राइव, जो आपके सेक्शुअल परफॉर्मेंस के लिए अच्छा हो सकता है. बट विल आई गेट प्रेग्नेंट? वेल, चांसेस बहुत कम है, बट येस, इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गेट प्रेग्नेंट ऑन योर पीरियड्स. हाउ? जो स्पर्म होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 to 5 days तक जिंदा रह सकता है. तो अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या फिर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत शॉर्ट है, मतलब अगर आपको 20 to 25 days के स्पैन में वापस पीरियड्स आ जाते हैं, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने पीरियड्स के लास्ट डे पे सेक्स करोगे तो यू माइट गेट प्रेग्नेंट. बट ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपको अपनी फर्टिलिटी स्पैन के बारे में नहीं पता होगा. सो कीप अ ट्रैक ऑन दैट. तो इस टाइम के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने पार्टनर को कॉन्डम यूज करने के लिए बोलो. ओके, फूफ, दैट वॉज क्लियर. बट यू शुड डेफिनेटली यूज अ कॉन्डम, क्योंकि उससे इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस एंड HIV प्रिवेंट हो सकते हैं इन केस योर पार्टनर हैज इट, क्योंकि वो ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं. तो अगर आप पीरियड्स के टाइम पे सेक्स एंजॉय करते हो और आपका पार्टनर उससे कंफर्टेबल हो, तो बिल्कुल करो, कीपिंग इन माइंड द प्रिकॉशंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये प्रिकॉशन जरूर लेने की कोशिश करें. यूज अ कॉन्डम ऑफ कोर्स, क्योंकि उससे किसी भी टाइप के इन्फेक्शन या STIs के रिस्क से आप बच सकते हो. मेक श्योर दैट वाइल हैविंग सेक्स आपने टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप नहीं पहना हुआ है. आप उसे सेक्स करने से पहले जरूर रिमूव करें. इफ यू वॉन्ट, आप एक छोटी टाल रख सकते हो अपने पास टू अवॉइड थिंग्स गेटिंग टू मेसी. तो पीरियड्स को अपनी सेक्स लाइफ में फुल स्टॉप मत लगाने दो, थोड़ा सा प्रेप वर्क करो, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे भी सेक्स उतना ही इंजॉयबल होता है जितना बाकी के दिनों में होता है. एंड यू माइट बी सरप्राइज टू फाइंड कि सेक्स एक्चुअली पीरियड्स के टाइम पे ज्यादा एक्साइटिंग होता है. सो एंजॉय योर पीरियड्स एंड योर सेक्स लाइफ. सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोस बाय अस.